सनातन धर्म में हरियाली तीज का खास महत्व होता है। हर साल सुहागिन महिलाएं हरियाली तीज के मौके पर व्रत रखती हैं। यह व्रत सावन के महीने में रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, तब हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हरियाली तीज श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। हालांकि हरियाली तीज को श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। वहीं हर साल हरियाली तीज का त्यौहार चंद्रमा के चक्र के आधार पर निर्धारित होता है। इस साल हरियाली तीज का त्यौहार 7 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार यह त्यौहार श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। बता दें कि तृतीय तिथि की शुरुआत 6 अगस्त को शाम 7:52 पर हो रही है। वहीं तृतीय तिथि का समापन 7 अगस्त को रात 10:05 पर होगा। तो उदय तिथि के हिसाब से 7 अगस्त को ही हरियाली तीज मनाई जाएगी। हरियाली तीज पर एक विशेष योग और बन रहा है। इस दिन शिव योग बन रहा है। ये शुभ योग सुबह 11:41 से अगले दिन तक रहेगा। अब हम जानेंगे हरियाली तीज का महत्व क्या है। हिंदू धर्म में हरियाली तीज का विशेष महत्व है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। ऐसी मान्यता है कि तीज का दिन भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करने के लिए श्रेष्ठ होता है। वहीं इस दिन जो महिलाएं व्रत रखती हैं, उन्हें शिव जी और मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं शिव पार्वती के पूजन से सुहागिन महिलाओं को अपनी पति की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरियाली तीज के मौके पर सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। इस दौरान महिलाएं हरी साड़ियां और हरी चूड़ियां पहनती हैं, साथ ही हरी बिंदी को अपने माथे पर लगाती हैं। दरअसल हिंदू धर्म में हरे रंग को काफी पवित्र और शुभ माना जाता है। इससे मन शांत रहता है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा हरा रंग शिव को बहुत प्रिय है। ऐसे में इस खास मौके पर महिलाएं हरे रंग के कपड़े और चूड़ियां पहनकर शिव पार्वती की पूजा करती हैं। अब हम जानेंगे हरियाली तीज की पूजन विधि कि कैसे शिव पार्वती की पूजा की जाए। हरियाली तीज के मौके पर महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद महिलाएं हरे रंग के कपड़े पहन लें और 16 श्रृंगार करें। हरियाली व्रत और पूजा शुरू करने से पहले व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी को वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद मूर्तियों के माथे पर कुमकुम लगाएं, फूल अक्षत प्रसाद अर्पित करें। मां पार्वती को 16 श्रृंगार चढ़ाएं। इसके बाद व्रत कथा और आरती अवश्य करें। अगर संभव हो सके तो शिव परिवार की जो प्रतिमा है वह मिट्टी की स्वयं ही बना करके चौकी पर स्थापित करें। हरियाली तीज के दिन हरे रंग का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन हरी साड़ी के साथ हरी चूड़ियां भी पहनी जाती है। हरा रंग शिव को प्रिय है और यह सौभाग्य का प्रतीक होता है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं व्रत रखती हैं। माता पार्वती के साथ गणेश जी का भी पूजन किया जाता है। हरियाली तीज सावन मास का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। हरियाली तीज का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन के उपलक्ष में मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार यह वह दिन है जिस दिन देवी पार्वती ने शिव की तपस्या में 107 जन्म बिताने के बाद पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था।
इस व्रत को रखने से स्त्री के पति की लंबी उम्र का वरदान मिलता है। अब हम जानेंगे हरियाली तीज से जुड़ी हुई कुछ परंपराएं। हरियाली तीज के अवसर पर नवविवाहित महिलाओं को उसकी पहली हरियाली तीज पर ससुराल से मायके बुलाया जाता है। हरियाली तीज से एक दिन पूर्व सिंधारा मनाने की परंपरा है। इस दिन ससुराल पक्ष से नवविवाहित स्त्रियों को वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार का सामान, मेहंदी और मिठाई आदि भेजी जाती हैं। इस तीज के अवसर पर मेहंदी लगाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। महिलाएं और युवतियां अपने हाथों पर मेहंदी लगाती है, साथ ही हरियाली तीज पर पैरों में आलता भी लगाया जाता है। यह सुहागिन महिलाओं की सुहाग की निशानी मानी जाती है। इस दिन महिलाओं को मायके से आने वाले वस्त्र ही धारण करने चाहिए, साथ ही मायके से आई हुई श्रृंगार की वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। हरियाली तीज के दिन सुहागिन स्त्रियां अपने सास के पैर छूकर उन्हें सुहागी देती है। अगर सास नहीं है तो सुहागी जेठानी या किसी अन्य वृद्धा को दिया जा सकता है। इस अवसर पर महिलाएं श्रृंगार और नए वस्त्र पहनकर श्रद्धा एवं भक्ति भाव से माँ पार्वती और शिव की पूजा करती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं खेत या बाग में झूले झूलती हैं और गीत गाकर नृत्य करती हैं। नवविवाहित स्त्रियों के लिए यह त्यौहार अत्यंत विशेष माना गया है। तो बोलो शिव जी भगवान की जय, माँ पार्वती की जय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड न्यू वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे। बोलो हर हर महादेव।